दिल्ली की राजनीति में अरविंद केजरीवाल की पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालेवाल के साथ मारपीट के आरोप पर सियासत खबरदार हो रखी है। जहां सोमवार को सुबह दिल्ली पुलिस की पीसीआर को एक कॉल आई कि सीएम आवास में स्वाति मालेवाल के साथ अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार ने मारपीट की। इस मामले में कल जाकर आम आदमी पार्टी ने चुप्पी तोड़ी। सांसद संजय सिंह ने इस दावे को स्वीकारते हुए कहा कि इस मामले में अरविंद केजरीवाल गंभीर हैं, लेकिन दो दिन हो चुके हैं, न तो केजरीवाल ने अब तक कुछ कहा है, न ही स्वाति मालेवाल ने कोई शिकायत दर्ज कराई है। इस बीच बीजेपी नेता जरूर आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने अपना मोर्चा खोल लिया है और आज बीजेपी के महिला मोर्चा के बहुत सारे जो कार्यकर्ता हैं यहाँ सिविल लाइंस दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निवास के पास इकट्ठे हुए हैं। साफ तौर पर स्वाति मालेवाल वाले मामले को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी है आक्रामक हो गई है। मैं आपको अपने पीछे तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि कैसे जो बीजेपी की महिला मोर्चा की ये कार्यकर्ता है, इनको डिटेन किया जा रहा है। अभी कुछ देर पहले देखा गया था यहाँ उन्होंने बड़ा एक जोरदार प्रदर्शन किया था, क्योंकि दो दिन पहले देखा गया था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सिविल लाइन स्थित निवास से स्वाति मालेवाल, जो राज्यसभा एमपी भी हैं, पूर्व दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन की चेयरपर्सन भी रही हैं, वो दिल्ली पुलिस को कॉल करती है और कहती है कि विभव कुमार, जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की परछाई भी जिनको कहा जाता है, पर्सनल सेक्रेटरी है, उन्होंने उनके साथ मारपीट की है। इस मामले ने ऐसी तूर पकड़ी कि अब भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले को लेकर अपना आक्रामक रुख अपना लिया और धरने प्रदर्शनों का जो दौर है जारी है। मैं आपको अपने पीछे तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि धारा 144 लागू है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निवास के एकदम पास की ये तस्वीरें हैं। 144 लागू होने के बावजूद भी जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं यहां इकट्ठे हुए हैं। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में प्रदर्शन हो रहा है और आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि अब दिल्ली पुलिस ने भी अपनी कार्रवाई जो है शुरू कर दी है और आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि महिलाओं को, जो भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की नेता हैं, वर्कर्स हैं, उनको यहां से उठाकर डिटेन किया जा रहा है। कुछ महिला वर्करों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे आप? हम आज दिल्ली की महिलाएं सड़कों पे इतनी कड़ी धूप में उतरी हैं, ये जो एक संवैधानिक पद पर बैठी महिला के साथ अभद्रता हुई है, और ऐसी ऐसी जगह नहीं, मुख्यमंत्री आवास के अंदर हुई है, किसके शह पर हुई है। सबसे ज्यादा करीबी मानी जाती है स्वाति मालेवाल। संजय सिंह कहते हैं हमारे घर की बात है। कौन से घर की बात है? वो एक संवैधानिक पद पे बैठी महिला है, देश को रिप्रेजेंट करती है। आज केजरीवाल को इस घटना की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर स्वाति मालेवाल जी मिलने के लिए पहुंची थी, ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी। इस बीच विभव कुमार जी वहां पे आते हैं और उन्होंने स्वाति मालेवाल जी के साथ बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की। अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी घटना को संज्ञान में लिया है और इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करने को कहा है। दुखद और शर्मनाक घटना है, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास के अंदर इस तरह की घटना होना और वो भी मुख्यमंत्री के सामने होना, जैसी जानकारी मिल रही है। कहा यह जा रहा है कि उनके उकसाने पर उनके पीए ने मारपीट की है, लेकिन किसी महिला के साथ इस तरह का अत्याचार होना शर्मनाक है। लेकिन दुर्भाग्य से दिल्ली का यह है कि अग्रिम जमानत पर छूटे दिल्ली के मुख्यमंत्री, इनका घर इन घटनाओं के लिए चर्चित रहा है। दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव हम भूले नहीं है, उनके साथ भी इसी घर में मारपीट की गई, धमकाया गया, बेइज्जत की गया, और इस तरह से अगर इस बहन के साथ किया गया है, निस्संदेह निंदनीय है। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जब घर पर मौजूद थे, तब माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के ओएसडी ने बदतमीजी करी है स्वाति मालेवाल जी से, जो आम आदमी पार्टी की ही राज्यसभा की मेंबर हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी अभी भी आकर क्यों नहीं बोल रहे हैं इस पर? और अभी तक आम आदमी पार्टी ने केवल निंदा करी है, अरविंद केजरीवाल जी ने अभी कोई कार्रवाई क्यों नहीं करी? माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी यदि अपनी ही पार्टी के एक कार्यकर्ता, अपनी ही पार्टी की एक महिला सांसद की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते अपने ही आवास पे, तो वो दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा क्या सुनिश्चित करेंगे? इसी मामले में आज इंडिया गठबंधन के दूसरे नेताओं से सवाल हुआ, जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे तो उनसे सीट जीतने के दावों के बीच स्वाति मालेवाल को लेकर प्रश्न पूछा गया। सीट का जवाब तो दोनों नेताओं ने दिया, लेकिन स्वाति मालेवाल के सवाल को टाल गए।
बीजेपी को कहां तक देख रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को आप कहां तक देख रहे हैं? कांग्रेस पार्टी को सवाल एक सर और है इसमें, अगर आप दे सके एक प्रश्न पूछे जोड़ देता हूँ अलग सा सवाल। सर स्वाति मालीवाल को लेकर के दिल्ली मुख्यमंत्री के आवास पर आरोप लगाए गए हैं, उस पर भी आपका रिएक्शन चाहेंगे। देखिए आपने जो पहला प्रश्न पूछा उसका जवाब मैं ये देता हूँ कि मोदी जी 400 पार पहले से बोलते आ रहे हैं। गनीमत है, हम खुशकिस्मत है, वो 600 पार बोले नहीं। स्वाति मालीवाल पे कहें, स्वाति मालीवाल को लेकर के चुप कर अखिलेश यादव है सीधे तौर पर का दावा कर रहे हैं। अरे भाई आ जाओ ना, जाने तो दो। स्वाति मालीवाल पे कहें, स्वाति मालीवाल को लेकर के चुप कर अखिलेश यादव है सीधे तौर पर का दावा कर रहे हैं। अरे भाई आ जाओ ना, जाने तो दो।